फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल था ये ए बी सी इसके मिड पॉइंट हैं साइड ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका नाम है डी साइड बी सी का मिड पॉइंट है उसका नाम है ई एंड साइड ए सी का मिड पॉइंट है एफ नाउ अब आप अगर इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक और ट्राइंगल बनेगा आपको मालूम है ये डी एफ को ज्वाइन करिए डी ई e, एंड

ये आपको निकालना है ना कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा जो मैं यूज कर रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा ना डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी आई रिपीट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी आपको मिड पॉइंट पता है मैं मिड पॉइंट की ही बात कर रहा हूं इसको लिखता हूं हियर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज midpoint of AC, therefore DF is equal to half of BC. DF जो होगा वो BC का half होगा. Reason being by midpoint theorem. ये आपने पढ़ा है. Similarly अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Similarly जो EF होगा वो half of AB होगा. EF is half of AB and DE is half of AC and DE is हाफ ऑफ ए सी ये आप फिर से मिड पॉइंट थियोर से प्रूफ कर सकते हैं नाउ अब जो मैं कर रहा हूं देखिएगा इफ डीएफल मतलब डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू इस बी सी को आप एल एच एस फलाएंगे डिनोमीटर बनेगा इज इक्वल टू वन बाई टू एंड ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन बाई टू एंड डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन बाई टू ये आपको पता है नाउ इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए इसको इक्वेशन टू बोल लीजिए एंड इसको इक्वेशन थ्री बोल लीजिए अब आप देखिए तीनों इक्वेशन में एल एच एस से आरएचएस सेम है तीनों का वन बाई टू ना तीनों में आर एच एस सेम तीनों का एल एच एस भी सेम होगा तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम वन टू एंड थ्री डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी

एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल डी ई एफ जो छोटा ट्रैंगल बना डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी आई रिपीट दोनों ट्राइंगल में देखें अगर आप ए बी सी और डीई एफ तो इनके करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है ना तो जब भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वो लोग सिमिलर होते हैं यूजिंग साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन नाउ

डीई का करेस्पॉन्डिंग एक्चुअली ए सी होगा ध्यान से देखिएगा डी का करेस्पॉन्डिंग होगा आपका ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए DE जो है यहां पे देखिए डी इज हाफ ऑफ ए सी दिख रहा है आपको डी इज हाफ ऑफ ए सी या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए डी ई AC ए सी जो है वन बाय टू है थर्ड इक्वेशन तो डायरेक्ट आप वन बाय टू का स्क्वायर कर दीजिए वन बाई टू का स्क्वायर क्या होगा वन बाई फोर तो so, आंसर होगा वन इज टू फोर आपसे रेशियो पूछे थे ना दोनों ट्रैंगल के एरियाज का तो आप लिखेंगे हेंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल एबीसी इज वन बाई फोर एग्जाम में जैसे लिखेंगे मैं जल्दी से उसको लिख के भी आपको बता देता हूं है ना ध्यान से देखिए आप लिखेंगे हेंस द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्रैंगल एबीसी is 1 is to 4 this completes our solution let us move on to sixth question of the exercise